मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार का चेंबूर के गणपति मंडलों ने किया स्वागत। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने मुंबई के गणपति मंडलों में जाकर बप्पा का दर्शन किया। इसी क्रम में वह पहुंचे चेंबूर के सदिच्छा मित्र मंडल में, जहां उनका स्वागत नगर सेविका आशा मराठे, नगर सेवक महादेव शिवगन, वरिष्ठ बीजेपी नेता अनिल ठाकुर, चेंबूर व्यापारी एसोसिएशन के प्रमुख लक्ष्मण कोठारी और सदिच्छा मित्र मंडल के कार्याध्यक्ष विजय सिंह ने किया। इस दौरान कई लोग मौजूद थे। कैसा लगा आज का जन्मदिन, कितना खास था? बहुत बढ़िया लगा। शेलार साहब ने मेरे साथ केक काटा और सबसे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कार्यकर्ता पर, नगर सेविका आशाताई मराठे के माध्यम से ये हुआ। मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ मैडम का। आज यहाँ पर आशीष जी आए चेंबूर के दौरे पर, आप भी यहाँ पर दर्शन करने आए, मंडल के बारे में क्या कहेंगे? गणपति बाप्पा मोरिया, सबको गणपति उत्सव की शुभेच्छा देता हूँ। आज इस मंडल में तो हम हमेशा आते हैं, क्योंकि ये मंडल के हमारे माजी अध्यक्ष जिन्होंने ये शुरुआत की थी, स्वर्गीय ठाकुर शकरदेव सिंह जी, उनके हमारे अच्छे रिलेशन थे और उन्होंने तब से शुरुआत किया, तब से हम इस मंडल में आते रहते हैं। आज हमारे नेता आशीष शेलार जी, मुंबई अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने इच्छा प्रकट की कि आज हम चेंबूर में आके इस गणपति के दर्शन करेंगे और आने वाले दिनों में एक अच्छी शुरुआत मुंबई के लिए, इस बारिश के बाद जो भी शुरुआत होगी उसके बाद हम एक अच्छा मुंबई को सुजलाम सुफलाम बनाना चाहते हैं। उसके लिए सभी जगह पर जाकर हम गणेश जी को प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में हमको इतनी शक्ति दे कि वो इस मुंबई को हम अच्छे सुजलाम सुफलाम बनाएं। गणपति बाप्पा। सदिच्छा मित्र मंडळाची मी खूप आभारी आहे, कारण त्यांचं आज 37 वर्ष झालं इथे गणेश उत्सव चालू आहे आणि चांगल्या प्रकारे ते इथे साजरा करतात, त्याच्यामुळे मी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देते। आणि आमचे मुंबईचे अध्यक्ष ते पूर्ण मुंबईमध्ये गणेश उत्सव मंडळाला आम्ही भेटी देत आहेत आणि त्यामध्ये सदिच्छा मित्र मंडळ निवडला तर मला खूप आनंद झाला की छानपैकी आपलं इथलचे जे व्यापारी आहेत त्यांच्यासंगती थोडा संपर्क येईल आणि त्यांच्याही काही भावना असतील त्या मुंबई अध्यक्षांपर्यंत मलाही पोचवता येईल। त्यानिमित्ताने आज ते इथे आले, मी त्यांचेही मनापासून खूप खूप आभार मानते। त्याचप्रमाणे भारतीय जनता पार्टीचे सर्व कार्यकर्ते आज येथे उपस्थित होते, त्यांचेही आभार मानते। आणि प्रथमतः सर्वांच्या आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने मी सदिच्छा मित्र मंडळाचे खूप खूप आभार मानते आणि शुभेच्छा देते। अरे इस मंडल में पहले दिन से मैं भी देख रहा हूँ, क्या कहेंगे? मैं सर्वप्रथम गणपति बाप्पा मोरिया, कोरोना के जो 2 साल गुजरे हैं उस संकट से उभारने के लिए गणपति बाप्पा का फिर से जोर शोर से स्वागत हम इस दौरान कर रहे हैं। आए हुए हमारे सभी अतिथि पक्ष पार्टी का भेदभाव ना रख के उनका स्वागत सत्कार हम अपने दिल से करते हैं और उम्मीद यही करते हैं कि बप्पा अपनी कृपा हम सब पे बनाए रखे। धन्यवाद। लोग सभी धर्म जाति के लोग आ रहे हैं, हर पार्टी के लोग आ रहे हैं, हम पहले दिन से देख रहे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि पुराना है काफ़ी, ये 37 साल। ये सदिच्छा मित्र मंडल, इनके पिताजी स्वर्गीय ठाकुर शकलदेव सिंह ने यहाँ पर स्थापना की थी और ये 37वां वर्ष उसका चल रहा है और गणपति बापा का दर्शन करने के लिए यहाँ पर सब बड़े बड़े पार्टी के लोग सब आ रहे हैं और आज उसी इसमें हमारे मतलब भाजपा पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री आशीष शेलार जी यहाँ पर आए और आज सदिच्छा मित्र मंडल की तरफ से उनका बहुत अच्छा स्वागत हुआ। स्थानिक नगर सेविका आशाताई मराठे, उनके हस्बैंड सुभाष मराठे जी, संतोष मराठे, हमारे विजय ठाकुर शकलदेव सिंह के सुपुत्र विजय ठाकुर सिंह ने उनका स्वागत किया, हमारे गावस्कर साहब ने भी आज उनका यहाँ पर स्वागत किया और पूरे मंडल से यहाँ पर बहुत अच्छा आज उनका स्वागत का प्रोग्राम यहाँ पर हुआ और उन्होंने गणपति बापा का आशीर्वाद लिया कि आने वाला समय मुंबईकर के लिए शुभ हो, मंगलमय हो और सुजलम सफलम हो और हर तरह से कोरोना के बाद ऐसी कोई विपदा नहीं आए और हर तरह से मुंबई का प्रोग्रेस हो। धन्यवाद।